माई बर्थडे और मेरी जो मेड है उनके लिए, उनकी बर्थडे और मेरी बर्थडे सेम है, तो उनके लिए मैंने ये सब कुछ निकाला है. शी इज़ वर्किंग ऑन अपस्टेयर्स. सो मैंने सोचा कि मेरी बर्थडे है तो मैं उनकी बर्थडे स्पेशल बनाती हूँ. तो मैंने कुछ कैश दिए है और ये पूरा सामान दिया है. 250 ब्राह्मणों को मैंने भोजन करवाया है इन इंडिया, क्योंकि मेरा स्पेशल अनुष्ठान होता है. उसके बाद सब कुछ मैं डोनेशन सब कुछ करती हूँ. मेरी बर्थडे भी मैं सब कुछ करती हूँ. येल्लो इज़ माई फेवरेट कलर, तो मैं येल्लो ज़्यादा पहनती हूँ. येल्लो ब्लैक, ब्लैक मेरा फेवरेट था लेकिन ब्लैक मैंने अभी कम कर दिया पहनना. तो वाइट, येल्लो एंड ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर. रेड टू, बट वैसे तो मेरे हर एक कलर फेवरेट है जो मुझ पर सूट होता है, लेकिन ये वाला कलर मेरा फेवरेट है जो मैं ज़्यादा पहनती हूँ लाइफ में. और आज मेरे बर्थडे के दिन, लाइक मुझे सेलिब्रेट करना नहीं अच्छा लगता, लेकिन यस, आज मैंने डिसाइड किया है इस ईयर में कि आई एम नॉट गोइंग टू कट केक. लाइक कभी भी मैं केक नहीं कट करूँगी, लाइक पूरी लाइफ केक कट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया है, अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया है. एंड आई एम स्पिरिचुअल टू, तो मैंने सोचा कि आज नए साल में, आज 1 ईयर डाउन हो गई मैं, लाइक 1 साल कम हो गया लाइफ से, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नया करती हूँ. तो यस, वैसे तो मैंने लास्ट ईयर से केक कट नहीं की थी, लेकिन इस ईयर से मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी. तो मेरी जो नीस है उसके पास मैं केक कट कराऊँगी. तो यस, मेरे भाई की एक बेबी है छोटी वाली, तो उससे मैं केक कट कराऊँगी. और आज मैंने हर एक धाम में डोनेशंस किए, ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे देख के 10 लोग और सुधरे, कि वो लोग भी अपने बर्थडे पे कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, धर्म के काम करें, डोनेशन करें, जिससे किसी की हेल्प हो सकती है. तो आज मैंने बहुत सारे लोगों को डोनेशंस किया. हर एक धाम में मेरे नाम से पूरा चोला और श्रृंगार से लेकर सब कुछ चढ़ा. और श्रावण मास है, श्रावण मंथ चल रहा है, और आई एम सो लकी कि कल मेरी बर्थडे है. लाइक अभी 12 बजे के बाद मेरी बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी. तो 2 अगस्त को शिवरात्रि, लाइक महाशिवरात्रि पड़ रही है. तो हर एक धाम में मेरे नाम से चोला चढ़ रहा है और भगवान के सारे श्रृंगार चढ़ रहे हैं. जितने भी हनुमान जी के मंदिर हैं इंडिया में, वहाँ पे लाइक सलासर बालाजी है, महदीपुर बालाजी है, बागेश्वर बालाजी है, बहुत सारे बालाजी के मंदिर है जहाँ जहाँ मैं मानती हूँ. तो वहाँ पे इस हर जगह पे मेरे नाम से सब कुछ चढ़ रहा है, लाइक पूरा श्रृंगार. और जितनी भी शिव टेम्पल है वहाँ पे भी मेरे नाम से बहुत बड़ी बड़ी पूजा हो रही है. वहाँ पे पूरा श्रृंगार हो रहा है वो मेरे नाम से. और जितने भी धर्मशाला हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मतलब लाइक जिसका कोई भी नहीं है, उनको मैं कपड़ों से लेके, खाने से लेके सब कुछ डोनेशन करने वाली हूँ. बहुत सारे ब्राह्मण भोजन कराने वाली हूँ, और बटुक भोजन, लाइक छोटी छोटी कन्या होती है उनको भोजन कराने वाली हूँ. और यहाँ पे US में भी मेरे तो इतना अच्छा ग्रुप है, तो जितने भी पुअर लोग हैं यहाँ पे भी, तो मैं उनको सारे कपड़े और सब कुछ डोनेशंस करने वाली हूँ. और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स लोग हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करने वाली हूँ. तो यस, मेरा तो यही काम है. और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी बेबीज है, तो उनको भी मैं श्रृंगार गिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि छोटी बच्ची जो होती है वो माता का रूप होता है. और मैं इन सब में बहुत ज़्यादा मानती हूँ बचपन से, जो मेरे घर में मेरी मॉम करते आया है, तो सब कुछ मैंने अपनी मॉम से ही सीखा है. और मैं कुछ एक्स्ट्रा ही एडवांस हूँ जो मेरी मॉम ने आज तक नहीं किया है. मैं एडवांस रहती हूँ, तो बहुत कुछ मैं लोगों के लिए करती हूँ. तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे प्राउड है. और आज मैंने एक लेवल बना लिया है कि मैं इतना कर पाऊँ. लाइक मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ निमित्त बन रही हूँ, भगवान मुझसे करा रहे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है. और एक स्पेशल न्यूज़ है जो मैं कल ही अनाउंस करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो. कल मिलता है. अभी मैं थोड़ा लाइक ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, दुबई से आई हूँ, तो थोड़ा मुझे जेट लैग है. आई एम नॉट फीलिंग वेल, इसलिए मुझे अपनी बर्थडे पार्टी नहीं करनी थी. लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना भी सिंपल नहीं होना है लाइफ में कि मैं अपने आप को ही भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ. जो मेरी एक्चुअल लाइफ है, लग्जरी लाइफ स्टाइल, तो वो तो मैं जीऊँगी ही लाइफ में. भले ही ऊपर से मॉडर्न हूँ, लेकिन दिल से तो सनातनी हूँ और रहूँगी जीवन भर. तो यस, मिलता है. अभी बजे है शाम के 5, और आज रात को पार्टी है. पूरी रात मैंने कल बात की, क्योंकि इंडिया में पहले हो जाती है, 1 डे पहले चलता है, तो मेरी बर्थडे कल इंडिया में हो गई.
यूएस में आज हो रही है, इसलिए पूरी रात में बात करती रही दुबई लंदन मेरी जहाँ जहाँ पे मेरी फैमिली है, इंडिया से मेरे सारे लोग, मेरे जितने भी अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोगों ने मेरे लिए इतनी अच्छी बर्थडे मेरी लाइक की वहाँ पे, इतनी मेमोरेबल की। जो रितेश्वर महाराज जी है जिन्होंने मुझे धर्म बेटी माना है, वो मेरे धर्म पिता है, मैं दिल से उनको पिता मानती हूँ। तो उन्होंने उनके आश्रम में पूरा इतना अच्छा सजाया, दिए से दीपू लिखाया, सब कुछ मैं यहाँ पे एक रील मेंशन करूँगी। तो आज मैंने रिश्ते कमाए हैं, मैं सोच रही हूँ कि मेरे भले ही फ्यू फ्रेंड्स हैं, इतने अच्छे हैं सारे लोग, इतने अच्छे हैं कि यू नो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग मुझे प्यार करते हैं। बहुत सारे वो लड़का हो या लड़की एक बार मुझसे जुड़ता है मुझे प्यार करने लग जाता है। तो मैंने हमेशा प्यार कमाया है, रिश्ते कमाए हैं, ब्लेसिंग्स कमाई है लाइफ में, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे इतने महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ, बट आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। तो और सॉरी मेरी थोड़ी दांत की ट्रीटमेंट हुई है इसलिए मैं कम्प्लीट बोल नहीं पा रही हूँ आज, लेकिन यस मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बर्थडे बहुत अच्छे लोगों के साथ गई, जहाँ पे गरीब लोग होते हैं लाइक पुअर पीपल होते हैं, तो वहाँ पे जाके मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मेरा बर्थडे केक कट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं खुद तो केक कट नहीं करती हूँ, इट्स नॉट गुड थिंग, क्योंकि मैं 2 साल से केक कट नहीं करती हूँ और मैं कैंडल भी नहीं बुझाती, क्योंकि दिया हमेशा लाइट करना होता है, बुझाना नहीं होता है। तो मैं कभी आई नेवर ब्लो द कैंडल्स, तो ये मैं नहीं करती। और बहुत सारे मेरे एथिक्स है, बहुत सारे मेरे रूल्स है लाइफ में, मैं सिर्फ ऊपर से मॉडर्न हूँ लेकिन अंदर से सनातनी हूँ, दिल से मैं सनातनी हूँ। मैं लोगों के बारे में बहुत सोचती हूँ, मैं हमेशा मेरा नहीं सोचती लेकिन मैं हमेशा लोगों के बारे में सोचती हूँ कि किसी की लाइफ कैसे सेट हो सकती है। कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ना मैं ऐसे कभी किसी को ऐसे बोल बोलती हूँ जिससे किसी का दिल दुखे, क्योंकि हर एक लोगों में परमात्मा होता है। जब से मैंने ये कथा सब कुछ स्टार्ट किया है तब से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं थी, मैं बचपन से स्पिरिचुअल थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं इतनी भी स्पिरिचुअल नहीं थी। जब से मेरी लाइफ में कोई आया है मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ लाइफ में, तो यस दैट्स माई लाइफ। और भगवान की दया से हर एक बड़े बड़े धाम में, जितने भी बड़े बड़े धाम है, वो चाहे काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन हो, बड़े बड़े मंदिर है, अंबाजी है और वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, हर एक जगह पे मेरे नाम से, केदारनाथ में हर एक जगह पे मेरे नाम से वहाँ पे अभिषेक हो रहे हैं, सलासर बालाजी से लेके बालाजी बागेश्वर बालाजी में, हर एक धाम में मेरे नाम से श्रृंगार हो रहे हैं मेरे बर्थडे पे। मेरे लिए तो यही काफ़ी है। लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं लेकिन ये सब कुछ नहीं कर पाते, धर्म का काम कुछ कुछ लोग ही कर पाते हैं लाइफ में, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। अगर आप कितने भी पैसे कमा लो, चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपके नसीब में ये नहीं हुआ तो आप कभी नहीं कर सकते। भगवान ने मुझ पर इतनी भगवत कृपा है कि हर एक धाम में मेरे नाम से सब कुछ हो रहा है, सारे दरवाजे मेरे लिए खुले हैं। मैं किसी भी धाम में जाती हूँ, चाहे मेरी वहाँ पे पहचान हो या ना हो, मेरे रिश्ते सारे भगवान करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस हूँ अपनी लाइफ में, मुझे मेरी लाइफ परफेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में। तो मैं भगवान का हमेशा शुक्रिया करती हूँ और इसलिए मैं पूजा पाठ करती हूँ कि आपने मेरी औकात से भी ज़्यादा चीज़ें दी है मेरी लाइफ में, इसलिए मुझे हमेशा खुश रखने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि आज जो कुछ भी बनी हूँ मैं अपने दम पे बनी हूँ, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की थी जब कोई नहीं था मेरे पीछे, तो यस तब एंड आई हैव वेरी नाइस फैमिली टू, मेरी बहुत स्ट्रांग फैमिली है, बहुत वेल्थी फैमिली भी है। लेकिन होता है ना कि मैं पहले से इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने दम पे बनी हूँ, जो कुछ भी बनी हूँ अपनी लाइफ में मैंने सब कुछ खुद ही अचीव किया है, मुझे किसी ने पुश नहीं किया, एंड थैंक्स फॉर दैट। भगवान को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, मेरी माँ को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी जिसने मुझे बनाया है। तो माँ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, माँ बाप की ब्लेसिंग ही सब कुछ है। अगर आप भगवान की पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन माँ बाप जो घर में आपके माँ बाप है वही आपके भगवान है, उनकी पूजा कर लो, उनकी ही सेवा कर लो, उतना काफ़ी है, सारे धाम उनके चरणों में ही है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने माँ बाप को बहुत संभाला लाइफ में, इसलिए भगवान ने मुझे इतनी तरक्की दी और भगवान ने मुझे इतनी बरकत दी कि आज मैं लोगों के
पेट पालती हूँ और आज भगवान ने मुझे निमित बना है इतना वेल्थी बना के कि मैं कुछ कर पाऊँ। मैं खुद कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ करूँ। लेकिन यस, हाँ, मैं सबके लिए निमित बनी और मेरा काम है लोगों को सेट करना और सबकी हेल्प करना। तो भगवान ने मुझे इतना तो बना दिया है। और आज मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ ये वीडियो के थ्रू कि मेरा एक ड्रीम था, भरी मेरा होटल बिजनेस है, सब कुछ है, मैं बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस भी करती हूँ। तो मुझे जहाँ पे मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं खुद की ब्रांड लॉन्च करूँ, तो आज मेरे बर्थडे के दिन मैं अपनी खुद की मेकअप ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ यूएस से। तो मैंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया गई थी, तब मैंने गुरुजी को दिखाया था कि ये मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो उनके आशीर्वाद मिले, उन्होंने पहली ब्रांड मेरी देखी, उसके बाद ही मुझे लॉन्च करना था कि पहले तो उनके हाथ में ही दूंगी, उसके बाद ही मैं लोगों के सामने लाऊंगी। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यस, उन्होंने बोला कि मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम हमेशा ऊपर ही जाओगी। तो यस, और जितने भी संत मुझसे जुड़े हैं उनको मैंने सबको मैंने बोला कि मैं ऐसा ऐसा कर रही हूँ। तो आज मैं खुद की मेकअप ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। आज जो मैंने मेकअप भी किया है, मेरी खुद की ब्रांड का किया है। तो ये मैं 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं पहले श्योर हो जाऊँ अपनी ब्रांड के लिए कि क्या कमी है और क्या मुझे चेंज करना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए तो देखो आई एम वेरी चूजी, मुझे हर एक चीज़ पसंद नहीं आती और मेरे बहुत नखरे होते हैं, मुझे सब कुछ परफेक्ट ही चाहिए। मैं खुद लाइफ में परफेक्ट हूँ हर जगह से, हर तरीके से, तो मुझे मेरा मेरी जो चीज़ हो वो भी मुझे परफेक्ट ही चाहिए। तो ये मेकअप मैं खुद 6 मंथ से यूज़ कर रही थी, मेरी स्किन केयर मैं खुद यूज़ कर रही थी, तब जाके मुझे रिजल्ट इतना अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी इसको लॉन्च करना चाहिए। तो यस, मैं खुद अपनी ब्रांड, सारी लिपस्टिक शेड्स और सब कुछ है, मैं वेबसाइट मेंशन करूँगी, यहाँ पे आप जाके चेक करना। और ये लॉन्च हो रही है यूके में, कनाडा में, दुबई में, इंडिया में और यूएस में। अभी तो यहाँ पे ही है, उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका देखूँगी और ऑस्ट्रेलिया देखूँगी, मेरी बात भी चल रही है वहाँ पे। तो यस, आप लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, जिसने मुझे हमेशा साथ दिया। बाहर ऐसे बारिश हो रही है इसलिए मैंने यॉट करवाई थी, अच्छा यॉट मैंने कैंसिल करवा दी, क्योंकि मुझे पता ही था कि यहाँ का जो वेदर है ना वो ऐसा ही रहता है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी विंडी हो सकता है, कभी भी फॉगी हो सकता है। तो यहाँ पे यूएस में ठिकाना नहीं है वेदर का। और आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, 2 साल बाद मैंने केक खाई, वो भी एगलेस केक मॉम ने करवाई थी इसलिए मैंने खाई, अदरवाइज मैं कभी नहीं खाती, मैं बाहर का खाना नहीं खाती। मतलब यहाँ पे यूएस में तो कैसा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट वेज फूड, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मीट और वो सब कुछ होता है, और मैं तो रेस्टोरेंट में भी नहीं जाती। और यहाँ पे कैसे रेस्टोरेंट होता है, वेज और नॉन वेज एक ही होता है रेस्टोरेंट, तो कोई कैसे यूज़ करता है सारी चीज़ें, तो मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं करती, मैं बाहर का खाना भी मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने 2 साल बाद केक खाई, क्योंकि मेरी भाभी ने बोला था कि ये एगलेस केक है, तुम्हारे लिए स्पेशल करवाई है, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तब जाके मैंने खाई 2 साल के बाद। सोचो कि मैंने केक भी त्याग कर दी, मेरा जितना भी फेवरेट फूड है सब कुछ मैंने खाना छोड़ दिया। श्री राम। मैंने सब कुछ बिल्ड किया हुआ है पहले से, मैंने बोला है कि किसी को भी गिफ्ट मत दो, कैश दे दो, चाहे कोई भी हो, वो चाहे मेरे वर्कर हो या मेरा कुक हो या मेरे काम वाले हो, जो भी हो, या हमारे होटल के मैनेजर हो, या को किसी की भी बर्थडे हो, कैश ही दो। कैश उसको जहाँ पे भी यूज़ करना है ना, वो खुद अपने आप बेचारा यूज़ कर सकता है, तो कैश ही दो। तो मेरे घर में भी अभी रिवाज हो गया कि मतलब मुझे भी किसी की बर्थडे होती है कैश ही देते हैं हम लोग, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। ताकि देखो, मेरी बर्थडे ऑलरेडी 35,000-40,000 डॉलर की हुई है, क्योंकि मैंने बहुत खर्चा किया है, मैं बर्थडे पे बहुत खर्चा करती हूँ, लेकिन वो पैसे मैंने गरीब लोगों में और पुअर लोगों में लगाया है, गरीब तो नहीं कह सकते, जो नीडी लोग हैं उनमें लगाया है। और मेरी पार्टी ही 20,000-25,000 डॉलर की हुई। तो यस, पैसों का इतना ये नहीं लगता, सब लोग यहाँ पे वेल्थी है, मेरी फैमिली बहुत वेल्थी है, टच वुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक रिवाज बोल सकते हैं, रिचुअल्स होते हैं, मुझे वो इतना कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यस,
प्यार मायने रखता है, सामने वाले मेरे लिए तो सामने वाले की भावना मायने रखती है कि वो मुझे कितना प्यार करता है, कितने एफर्ट्स दे रहा है, मैं जैसे एफर्ट्स दे रही हूँ कोई मेरे लिए देता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट होता है। और ये सब देख के मुझे ऐसा होता है कि नहीं, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा, लाइक आई टच वुड माई फैमिली इज़ वेरी स्ट्रांग, मेंटली भी इतनी स्ट्रांग है, वेल्थी भी इतनी है, टच वुड सपोर्टिव भी इतनी है कि जो भी करना है करो, हमें ट्रस्ट है, ऐसी वाली मेरी फैमिली है। तो आई लव माई फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और आज मेरी वर्कर जो है, मेरी यहाँ पे काम करती है लड़की, उसकी भी आज ही बर्थडे है, मेरे दिन ही बर्थडे है, तो मैंने उसकी बर्थडे भी स्पेशल बनाने के लिए उसको मैंने कैश दिए कि तुम अपने आप यूज़ करना जहाँ पे भी चाहो। तो इतनी खुश होती है कि आज तक मुझे यहाँ पे US में किसी ने भी इतना प्यार नहीं दिया जितना तुम लोगों ने दिया, लाइक मैंने दिया उसको, तुम लोगों ने किया, मैंने। तो बहुत ज़्यादा बेचारी ये खुश होती है कि मुझे इतनी अच्छी मैम मिली है। और मेरा काम है लोगों को खुशी देना, अगर मैं किसी को खुशी नहीं दे पाती तो उसको दुखी भी नहीं करती हूँ। और मैं ऐसी बंदी हुई नहीं कि मैं किसी का दिल दुखाऊं लाइफ में, चाहे कोई भी हो सामने। सबको पता है कि मुझे मैं राम भगवान की पूजा करती हूँ। शिवरात्रि है और मेरा फास्ट भी है, तो आज ऐसा कुछ रेडी होने का दिल नहीं करता है, लेकिन ये सभी पार्टी है इसलिए थोड़ी रेडी हुई हूँ। तो अभी जाना है पार्टी में, क्लब पार्टी रखी हुई है, तो मैंने ऐसा ड्रेसिंग किया हुआ है। और वैसे भी मैं US में रहती हूँ इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा ड्रेसिंग करना ही पड़ता है। एकदम देसी बन के घूमूंगी तो सब लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं मेरी कि तू बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, तो इतना भी स्पिरिचुअल मत बन कि तू अपनी लाइफ भूल जाए। ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल होना गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो। और मैं तो कभी ये लाइन छोड़ नहीं सकती, लेकिन यस, ऊपर से मेरा ड्रेसिंग कुछ भी हो लेकिन अंदर से मैं सनातनी हूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं। तो अभी थोड़ी देर में जाऊँगी मैं क्लब में। नाइस बर्थडे पार्टी, ये मैंने लास्ट 2 डेज में कंप्लीट किया इसलिए इतना स्पेशल कुछ हो नहीं पाया, लेकिन मैंने सोचा कि उस बहाने मैं अपने फ्रेंड्स से मिल भी लूँगी, इसलिए मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। और मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे फ्लावर्स ही दिए, और मैं केक नहीं कट करती इसलिए मैंने केक नहीं मंगवाया था। तो सबको पता है कि मैं हर 2 दिन में भगवान के लिए फ्लावर्स लेने जाती हूँ, तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने मुझे फ्लावर्स ही दिए।